करीब 10 साल सेवा देने के बाद 2018 में सरकार बदलने पर हटाए गए किसान मित्र दीदी को भी चुनाव में फिर से अपने बहाल की उम्मीद जागी है। इसी आस के चलते शुक्रवार को जिले के पूर्व किसान मित्र दीदी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचे मथुरालाल दांगोड़े अखिलेश राठौर ने बताया कि उनकी नियुक्ति राजनीति की शिकार हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार की आत्मा परियोजना के तहत कृषि विभाग में 10 से 12 वर्षों तक कार्य करने के बावजूद मध्य प्रदेश की पूर्व की कमलनाथ सरकार द्वारा उन्हें भाजपा और संघ भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ता होने का हवाला देकर 31 दिसंबर 2019 को उनके कार्य से उन्हें पृथक कर दिया गया था, जिसके बाद से आज तक वे पुनः बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार बदलने के बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिली। कांग्रेस सरकार के फैसले से प्रदेश के करीब 27,000 किसान मित्र दीदी प्रभावित हुई, जबकि जिले में 540 लोग बेरोजगार हुआ। नियुक्ति नहीं मिलने से चिंतित किसान मित्र दीदी का कहना है कि सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने और बहाली तथा नियुक्ति न होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सर जी, आपके न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जी, 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें हमको हटा दिए गए, क्योंकि ये बीजेपी समर्थक और आरएसएस करके बोल के, और हमारी जो 10 साल से सेवा हम दे रहे हैं उसमें सर हमारे अनुदान में हम मतलब सेवा दे रहे हैं किसानों को सर, तो हमको सर हमारी बहाली हो और भत्ता दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। विजय सोलंकी के लिए। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला है कि जो अभी बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी उसने हमको पृथक कर दिया गया था, और ये कहे के पृथक कर दिया गया था कि ये बीजेपी समर्थक और संघ के आदमी है, और अब हमारे शासन से यही कहना है कि आप हमारी बहाली करें। 2019 कितने समय से आप काम कर रहे थे? क्या काम? ये 2005 से 15-20 साल से कंटिन्यू हम काम करते आ रहे हैं। क्या काम करते थे? काम ये करते थे कि किसानों के बीच जाकर ये कृषि विभाग की सारी जानकारियां देते थे और प्रचार प्रसार करते थे, बीज से लेकर मिट्टी परीक्षण तक का जो भी काम था वो सब। बाद में भी 15 महीने बाद बीजेपी सरकार वापस आ गई थी, फिर भी तो उनसे मांग हुई थी, जो कृषि मंत्री अपने नरेंद्र सिंह तोमर उनसे भी बात थी कि हमारी सरकार आने पर वापस तुमको ले लिया जाएगा। साढ़े तीन साल से भाजपा की भी सरकार रही, तब तक आपने भी मांग नहीं उठाई? नहीं, मांग बीच बीच में हर बार हम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम आपको? मंगल सिंह तोमर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।